हेलो बच्चों, मैं जीतू तनवर, विनिंग एज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे, उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में नाउन कवर कराया था, और आज मैं आपको प्रोनाउंस कवर कराने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। आइए टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोनाउंस होते क्या है, प्रोनाउंस यूज़ क्या होते हैं, प्रोनाउंस का क्या काम है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। देखो, प्रोनाउंस प्रोनाउंस में मैंने आगे लिखा है रिप्लेसिंग नाउंस, मतलब लास्ट क्लास में हमने नाउंस किया था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि नाउंस को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन की जगह पे स्थान लेता है, अपना प्लेस नाउन को हटाकर बनाता है। सर समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, चलो समझाता हूँ आपको। देखो, नाउन सॉरी प्रोनाउंस, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कम इन प्लेस ऑफ नाउंस। तो प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो किसके प्लेस पे आते हैं, नाउंस के। सर ये तो आपने पहले भी बोला था, तो भाई पूरा सुनो क्या कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोनाउंस प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कम इन प्लेस ऑफ नाउंस। प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पे आते हैं और किस काम आते हैं। दे हेल्प टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउंस, ये नाउंस को रिपीट होने से बचाते हैं। देखो, हम कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई भी पोएम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है, एक ही बात बार बार रिपीट होती है, तो आपको पता है आप उस चीज़ से बोर हो जाते हो। फिर आप चाहते हो कि वो चीज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि आप वहाँ से हट सको, या फिर आप चाहते हो कि उस बोरिंग चीज़ को आप साइड कर दो। तो प्रोनाउन यही काम करता है। जबकि आप सेंटेंस बोलते हो, सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड बार बार रिपीट होता है, तो वो हम एक तरह से बोर कर देता है। हम सोचते हैं ये वर्ड बार बार क्यों आ रहा है, तो उसके प्लेस पे उस वर्ड को हटा के हम प्रोनाउन यूज करते हैं। यही बात यहाँ पे बोली गई है, दे हेल्प टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स। जो नाउन बार बार रिपीट हो रही है उसको हटा के उसका प्लेस ले लेता है प्रोनाउन, ताकि सेंटेंस बोरिंग ना हो। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, राम इन्वाइटेड मी टू डिनर। राम ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया, ठीक है। राम इनवाइटेड यू ऑल्सो, राम ने आपको भी इनवाइट किया। राम वॉज वेरी हैप्पी, राम बहुत खुश था। अब देखो, तीन सेंटेंस है, राम इनवाइटेड मी टू डिनर, राम इनवाइटेड यू ऑल्सो, राम वॉज वेरी हैप्पी। अब तीनों सेंटेंस में हम एक लाइन लिख रहे हैं, उसके अंदर राम बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये थोड़ा बोरिंग बनाया जाता है राम को, ये इस लाइन को, इस सेंटेंस को बोरिंग बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे नाउन के प्लेस पे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था नाउन क्या होता है, किसी पर्सन, थिंग, प्लेस या फीलिंग्स, किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है, नाउन। नाम है तो नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन क्या है, यहाँ पे नाउन है राम, राम राम, ये नाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इसको चेंज करना था कि सेंटेंस बोरिंग ना हो। तो फर्स्ट देखो, सेंटेंस राम इन्वाइटेड मी टू डिनर, यहां पर तो कोई रिपीटेशन नहीं हुई, ठीक है। अब देखो, आप सेकंड पर्सन हो, मतलब देखो फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलता है, सेकंड होता है जो सुन रहा होता है, और थर्ड पर्सन जिसके हम बात कर रहे होते हैं। ये भी आपको कराऊंगा मैं इसके बाद, बट अभी आपके लिए इतना याद रख लो कि जो बोल रहा है स्पीकर वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है, जो यहाँ पे मौजूद हो या ना हो उसके बारे में बात की जा रही है, वो है थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन, अब देखो आप सेकंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन हम बात करें, राम के, राम के थर्ड पर्सन, तो हम किसी की बात कर रहे हैं। मैं बोलूँगा कि राम ने आपको डिनर पे बुलाया, राम राम ने मुझे डिनर पे बुलाया, और वो उसने आपको ही बुलाया है, उसने आपको बुलाया मतलब ही इन्वाइटेड यू ऑल्सो। अब राम एक बॉय है ना, तो जो मैस्कुलाइन होता है उसके लिए क्या लगता है, ही राम इन्वाइट, ही इन्वाइटेड यू ऑल्सो, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ही वॉज वेरी हैप्पी। अब देखो यहाँ पे दो काम हुए हैं, फर्स्ट प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कम इन प्लेस ऑफ नाउंस। प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जो नाउंस के प्लेस पे आते हैं। राम नाउन था यहाँ पे, ठीक है, तो राम के प्लेस पे क्या आ गया, ही, यहाँ पे भी ही, तो फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई, क्या थी, जो नाउन्स के प्लेस पे आते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, दे हेल्प टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स। यहाँ पे नाउन बार बार रिपीट हो रहे थे,
तो उसने हमारी मदद करी, हमारी हेल्प की, किस लिए? रिपीट ना करने के लिए। तो राम के जगह पे ही लगा दिया, राम के जगह पे ही लगा दिया, अब ये परफेक्ट हो गया। अब आप यहाँ बोर नहीं होंगे, आप कहानी भी पढ़ते होंगे तो वहाँ पे कहानी में ही, शी, इट ये सब आते होंगे, प्रनाउंस यूज होते होंगे, कोई वर्ड बार बार रिपीट नहीं होता। उसका मेन रीजन ये होता है कि कोई बोर ना हो, क्योंकि एक ही सेंटेंस बार बार आप रिपीट करते हो, बार बार सुनते हो, तो आपको बोरिंग लग सकता है वो। और हाँ, अगर बोरिंग होगा तो कहानी आप पढ़ोगे नहीं, कहानी नहीं पढ़ोगे तो सब खत्म, ठीक है? कहाँ से आगे इसका रिस्पॉन्स करोगे, कहाँ से क्वेश्चन आंसर दोगे, तो ये सब बातें डिपेंड करती है। तो देखो हमने क्या सीखा है, प्रनाउंस। प्रनाउंस क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पे आते हैं। दूसरा, नाउन्स को बार बार रिपीट होने से रोकते हैं। इसका हमने एग्जांपल भी लिया है, ठीक है? तो अभी आप इसको रीड करो, नोट करो, दूसरा टॉपिक आगे कवर करते हैं। तो देखो हमारा सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्रनाउंस। अब इसमें आपको मैं प्रनाउंस कितने टाइप के होते हैं वो बताऊंगा, ठीक है? फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस। अब देखो इसके नाम से ही चल रहा पता किस बारे में है ये, पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सन से रिलेटेड, ठीक है? पर्सन जैसे स्पीक्स द पर्सन, स्पीक्स ऑफ पर्सन, किसी पर्सन की बात करता है, जैसे आई, यू, वी, ही, शी, इट, नेम, दे, मतलब किसी भी पर्सन से रिलेटेड है। आई, आई एम गोइंग टू ऑफिस, ठीक है? तो प्रोनाउन क्या है? आई, तो आई एम गोइंग टू ऑफिस, पर्सन से रिलेटेड, ठीक है? शी इज इन द हॉस्पिटल, शी पर्सन से रिलेटेड, ठीक है? वह कहाँ पर है? हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसका भी नाम से चल रहा पता, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन। अब देखो आप जब सुबह तैयार होकर कहीं पर जाते हो या कभी भी जाते हो कहीं पे, तो आप जब मिरर में, शीशे में देखते हो तो क्या बोलते हो, क्या देखते हो? आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने मिरर में, शीशे में खुद को देखा। अब देखो आई, मैंने किसको देखा? खुद को, तो खुद मतलब माई सेल्फ, अपना रिफ्लेक्शन देखा मैंने शीशे के अंदर, ठीक है? जहां भी खुद की बात चल जाए, रिफ्लेक्शन की बात चल, रिफ्लेक्सिव हो जाए, जैसे यू का योर का योर सेल्फ हो जाए, आपका मतलब आपका आपसे, देम उन्हें, देम सेल्फ्स उन्हें, उनसे, ठीक है? तो जहां भी रिफ्लेक्शन शो हो रहा है, आपके बारे में बात की जा रही है आगे, जैसे मैंने बताया आपको, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने मिरर में खुद को देखा, ठीक है? दे हेल्प, दे आर स्टडिंग फॉर देम सेल्फ, वह किसके लिए पढ़ रहे हैं? खुद के लिए। तो आपको चला पता है रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जहां पर रिफ्लेक्शन की बात चलती है, खुद की बात चलती है, स्वयं की बात चलती है, वहां पर किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज होते हैं वहां पे, ठीक है? इनडेफिनेट प्रोनाउन, आपको पता है इनडेफिनेट, डेफिनेट का अपोजिट इनडेफिनेट, मतलब जो नॉट डेफिनेट, जो डेफिनेट ना हो, ठीक है? डेफिनेट ना हो कैसे? सम, मैंने आपको कहा सम ऑफ यू गो देयर, आप में से कुछ वहां चले जाओ, सम ऑफ यू गो देयर, आप में से कुछ वहां चले जाओ, तो डिफाइन है कि मैंने कितने लोगों को बोला जाने के लिए। आप सोच रहे हो कि दो जाएंगे, पांच जाएंगे, दस जाएंगे, बीस जाएंगे, कोई डिफाइन ही नहीं है। तो जो डिफाइन ना हो वो इनडेफिनेट। और मैंने किसी पर्सन का नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया था, मैंने नाउन नहीं बोला, मैंने सम ऑफ यू बोला है, सम मतलब प्रोनाउन बोला मैंने। तो देखो जो प्रोनाउन डेफिनेट नहीं था, जो प्रोनाउन डेफिनेट नहीं था वो क्या हो गया? इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ठीक है? सम एनीबडी, जैसे बोलती नहीं है इज देयर एनीबडी, इज देयर एनीबडी इज हियर, ठीक है? एनीबडी इज हियर देयर, एक मिनट। तो देखो एनीबडी, यहाँ पे एनीबडी की बात हो रही है, वैसे तो एनीबडी ना, जो मैं रुकाता हूँ एक सेकंड के लिए, इसलिए रुकाता हूँ कि एनीबडी सेंटेंस जहाँ पे एनी वर्ड आता है वो नेगेटिव में आता है, ठीक है? तो जब भी आप एनीबडी पे सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस आपका नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एनीबडी शो करता है नेगेटिव सेंटेंस को, ठीक है? इसलिए मैं रुकाता हूँ एक सेकंड के लिए, बात करता हूँ एनीबडी की। देखो एनीबडी मतलब कोई, एवरीबडी मतलब सभी। तो यहाँ पे देखो कोई, सभी, कुछ, जो बातें हो रही है ना वो डेफिनेट नहीं है, हमें पक्का पता नहीं चल रहा कि किसी की, कुछ के, इतने लोगों के बारे में बात चल रही है या इसके बारे में बात चल रही है, उसके बारे में बात चल रही है। तो जो डेफिनेट ना हो वो क्या होता है? इनडेफिनेट, जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है? नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये तो आप सबको पता होगा, इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन करना, इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ करना, पूछताछ करना मतलब क्वेश्चन पूछना।
तो इंटरोगेटिव डायरेक्टली का लिंक करता है क्वेश्चंस पे, ठीक है? तो देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हु आर यू, व्हाट व्हाट आर यू डूइंग, विच इज द सेंटेंस आई हैव गिवन यू, ठीक है? तो हुम पेन इज दिस, हुज क्लास इज दिस, ठीक है? तो देखो और भी इसमें और हो सकता है व्हेन वेयर, ठीक है? तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है डब्ल्यू एच फैमिली पूछा जाता है, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे उसे क्या कहेंगे, जो भी क्वेश्चन की जगह पे यूज होगा वर्ड उसे बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। जहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया वहां पे आपसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगाया गया है, ठीक है? नेक्स्ट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिमोन्स्ट्रेटिव डिमोन्स्ट्रेट करना, डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब डिमोन्स्ट्रेट करना मतलब बताना, निशाना लगाना, पॉइंट करना, पॉइंट आउट करना। मैं कहता हूँ दिस इज माई मार्कर, यह है मेरा मार्कर है, तो पॉइंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ मान लो कई सारे मार्कर रखे होंगे ऑफिस के अंदर, मैंने कहा दिस इज माई मार्कर, यह है मेरा मार्कर है, तो मैंने इसको पॉइंट आउट किया है, ठीक है? आप बोलोगे दैट इज योर बुक, वह आपकी बुक है, तो आपने डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, आप इशारा कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो उस चीज को। तो जहां पे भी ये वर्ड्स यूज होते हैं वहां पे क्या कहलाता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, वो प्रोनाउंस जहां पे पॉइंट आउट किया जाता है, इशारा किया जाता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, पर्सनल प्रोनाउंस जहां पे पर्सन की बात चलती है, जैसे आई यू वी ही शी इट नेम, ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जहां पे रिफ्लेक्शन होता है, खुद की बात चलती है, माई सेल्फ योर सेल्फ देयर सेल्फ देम सेल्फ, ठीक है? इनडेफिनेट प्रोनाउंस, नॉट डेफिनेट, जो डेफिनेट ना हो वो इनडेफिनेट, जैसे सम एनीबडी एवरीबडी एटसेट्रा जो भी हो सकता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हु व्हाट विच हुम हुज हाउ व्हेन वेयर, ठीक है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, इशारा करते हैं, ठीक है? तो ये आपके मैंने 5 टाइप कराए, अभी आपको 2 टाइप्स और कराऊंगा, तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करेंगे और जो डाउट हो उसको कमेंट करके पूछेंगे। तो देखिए अब हम नाउन के सॉरी प्रोनाउंस के 6 पॉइंट पे आ चुके हैं। जो हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कर रहे हैं उसके 6 पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, डिवाइड करता है, कैसे, जैसे ईच एवरी एदर एटसेट्रा। जैसे मैं कहता हूँ ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, प्रत्येक प्रत्येक बच्चों को कोई ना कोई प्राइज मिलेगा, ठीक है? अब देखो डिवाइड किया है यहाँ, ना तो इसकी बात चल रही है ना उसकी बात चल रही है, सबको अलग अलग कर दिया कि प्रत्येक इसको ही मिलेगा और इसको ही मिलेगा, इसको ही मिलेगा। तो जो डिवाइड करता है ईच उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे एदर 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 ऑफ यू कैन गो, इधर ऑफ यू कैन गो, ठीक है? कोई भी जा सकता है आप में से। तो देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, आप भी जा सकते हो, आप भी जा सकते हो, आप भी जा सकते हो। तो जो डिवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है? नेक्स्ट पजेसिव प्रोनाउंस, आपको पता है पजेसिव, पजेसिव मतलब पजेशन, हक, अधिकार, राइट। अब ये राइट मतलब सही वाला नहीं है, ये राइट मतलब है अधिकार वाला, हक वाला, से राइट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक है? तो देखो ये है, अभी पजेशन शो करता है, कैसे, माई, दिस इज माई बुक, इट इज योर पेन, ठीक है? जहां पे हमारा हक शो होता है कि यह मेरी बुक है, यह आपका पेन है, समझे? जहां पे अधिकार शो हो रहा है, आपका हो, मेरा हो, किसी का भी, बस राइट शो होना चाहिए, पजेशन शो होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम, पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है? तो देखो हमने यहाँ पे 7 टाइप्स कवर कर लिए हैं, उम्मीद करता हूँ 7ों को नोट करोगे, सही से सीखोगे, सही से याद करोगे। अब आते हैं इस प्रोनाउंस के नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउंस टेबल, ठीक है? प्रोनाउंस की कुछ टेबल होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं, जो हमें नाउंस के प्लेस पे लगाने होते हैं, वो क्या होते हैं देखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट आई वी यू ही शी इट दे, अब ये सब वर्ड्स क्या है, ये हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं। जब भी कोई आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट प्लेस जो सब्जेक्ट का होता है उसके प्लेस पे आते हैं ये वर्ड्स, ठीक है? और देखो एक चीज और, मैंने आपको बताया था फर्स्ट होता है स्पीकर जो बोलता है,
तो इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। स्पीकर जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, और जो सुनता है लिसनर ये होता है सेकंड पर्सन, और बाकी सब क्या होते हैं जिनकी बात करते हैं हम, वो होते हैं थर्ड पर्सन। तो देखो, फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है मतलब आप, थर्ड पर्सन जिनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, लिसनर्स, सॉरी थर्ड पर्सन। अब देखो, आई सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, यू, ही, शी, इट, दे, नेम, कोई भी, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन जो नाउन्स के प्लेस पे यूज हो रहे हैं, वो वर्ड्स जो नाउन्स के प्लेस पे यूज हो रहे हैं बट सब्जेक्ट के ऊपर स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको पता लास्ट में आता है, ठीक है। तो वो प्रोनाउन्स, वो वर्ड्स जो नाउन्स के प्लेस पे यूज हो रहे हैं बट कहाँ पे, लास्ट में, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। जैसे आई का हो गया मी, वी का हो गया अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, ठीक है। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होते हैं। और थर्ड, पजेसिव, पजेसिव मैंने आपको कराया था अभी थोड़ी देर पहले, अधिकार शो करते हैं, राइट शो करते हैं, हक शो करते हैं, ठीक है। तो माई का माइन हो जाएगा, सॉरी, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। अभी देखो, आपने सुना होगा, पहले भी कई बार सुना होगा, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, बट आप कह रहे होंगे मैंने आगे कमा डाल के लिख रखा माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा लिख रखा है, ऐसा क्यों है वो बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। पजेसिव क्या होता है, जो पजेसिव पजेशन शो करता है, ठीक है। अब देखो, आप इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे क्लियर कर सकूं, या फिर यहीं पे एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे माइक का एग्जांपल लेते हैं, दिस इज माई बुक। मैंने क्या लिखा, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। ये तो देखो क्या होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और माई बुक ये आपका क्या, पजेशन शो कर रहा है, पजेसिव प्रोनाउन हो गया आपका ये, ठीक है, जो पजेशन शो कर रहा है, दिस इज माई बुक। आपने कहा सर ये तो हमें आता है, ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो भाई मैं कब मना कर रहा हूँ आपको, मैं तो आपको माइन कराना चाहता हूँ कि माइन कहाँ यूज होता है। देखो, माई यूज हुआ क्योंकि इसके पीछे ऑब्जेक्ट था। क्या ऑब्जेक्ट था, बुक। माई यहाँ पे यूज हुआ क्योंकि इसके पीछे ऑब्जेक्ट था। जहां पर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है वहां पे आप सिंपल पजेसिव लगाओगे, सिंपल वर्ड्स लगाओगे जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। बट जहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, जैसे दिस बुक इज माइन, ठीक है। अब लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट, लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट आया आपके पास में, क्योंकि बुक को हम पहले यूज कर चुके हैं तो लास्ट में कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो सेंटेंस हमें बिना ऑब्जेक्ट के खत्म करना होता है वहां पे ये पजेसिव प्रोनाउन यूज होते हैं, दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। आप कैसे ही बोल लो, यह मेरी किताब है, यह मेरी बुक है, या फिर यह बुक मेरी है, कोई डिफरेंस है, बात सेम है। बस हाँ, फर्क इतना है कि जहां पे मैंने माई यूज करा वहां पे ऑब्जेक्ट है, और जहां पे माइन यूज किया है वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दिस हाउस, दिस इज आर हाउस, यह हमारा घर है, यह हमारा घर है, ठीक है। तो देखो, आर को क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, आर आपका क्या, पजेसिव प्रोनाउन, इसको मिल गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए यूज हुआ है। बट यहां पे अगर ऐसा होता, दिस दिस हाउस इज आर्स, जहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां पे हम ये वाले पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो डिफरेंस क्लियर है आपको, कि जहां पर हमें ऑब्जेक्ट दिया गया वहां पे ये बेसिक यूज करेंगे जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी क्लास से सीखा हमने, ठीक है। बट आपके मन में डाउट ये नहीं रहना चाहिए कि जहां पे माइन यूज करा है, आर्स, योर्स, हर, हिज, इट्स, देयर्स, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। देखो, आप ऐसे बोलो, दिस इज
आर हाउस, यह घर हमारा है, या फिर ऐसे बोल लो ये हमारा घर है। दोनों में भी डिफरेंस है, बात तो एक ही है, बट डिफरेंस क्या आया? जहां पे आर यूज हुआ वहां पे हाउस ऑब्जेक्ट बना, और जहां पे आर्स यूज हुआ वहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर है, और आपको भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें ताकि मैं आपकी क्वेरीज ले ले सकूँ। ठीक है, अब देखो, अब आप में से कोई समझदार बच्चा, कोई बुद्धिजीवी बोल सकता है कि सर हिज सेम है, इट्स सेम है, तो यहाँ पे कैसे चलेगा पता है? अरे भाई, तुम्हें क्या सीबीआई का एजेंट बनना है? सिंपल सी बात है, अगर पीछे ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ये वाला हिज है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो ये वाला हिज है। बेसिक यार, बिल्कुल सिंपल है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, मैं जो करा रहा हूँ सिर्फ वो पढ़ना है आपको, मेरी वीडियो बार बार देखनी है। और हाँ, जो डाउट है प्लीज कमेंट करना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करना, या मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। तो मन में आपके कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मन में आपको डाउट रहा मतलब मेरा पढ़ाना बेकार हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी कराया आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से सीखोगे, और हाँ कोई इसमें डाउट ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कोई दूसरा टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा पता। थैंक यू।